हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ये हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको किस तरह से GK मैथ रीजनिंग ये सारी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 1 मंथ का टाइम आपके पास है, तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी इस वीडियो में डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले लाइक शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनी अपडेट फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन आगे आने वाले हैं उसकी अपडेटेशन आपको मिलेगी, रिजल्ट्स, जो भी कट ऑफ वगैरह है, प्रेडिक्शन, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। इसी साथ टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अनकेडमी पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको रीजनिंग की पजल्स, मेंस लेवल की पजल्स, IBPS PO लेवल की पजल्स वहाँ पे मिलेगी आपको, और भी बहुत सारी पजल्स मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ वहाँ पे। तो आप अनकेडमी पे जाके जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं क्या रहता है मेंस का। IBPS PO मेंस की अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 60 होते हैं, यानी 45 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 45 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं आपके 60 होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहता है, और मिनट जो आपको सेपरेटली मिलते हैं वो 60 मिनट मिलते हैं, यानी 45 क्वेश्चन 60 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स जो 60 रहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो किस चीज़ का रहता है, पजल्स, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई स्कोरिंग रहेगी। और आप ये मत प्रेडिक्शन करना कि यहाँ पे पजल्स ईजी आएंगे, ईजी यहाँ पे पजल्स नहीं आएंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल पजल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये नहीं कि पजल आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि 60 मिनट है यहाँ पे, 45 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए यहाँ पे आपका जो वेटेज रहेगा 45 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके पजल से कवर अप होंगे, 30 से 35 क्वेश्चन पजल से कवर अप होंगे। तो इसलिए ये मत सोचिए आप सारी की सारी पजल बनाइए वहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पजल्स आपको बनानी है, कट ऑफ बहुत कम जाती है, इंडिविजुअली कट ऑफ भी बहुत कम जाती है इसकी। तो आपको ये टारगेट करना है कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग जोन है मैं कौन सी पजल बना सकता हूँ, पहले वो पजल आप ट्राई कीजिए। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए अकेडमी पे बहुत सारी पजल्स पड़ी है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह बताए गए कि पजल को कैसे अटैम्प्ट करना है, जितनी ज़्यादा बड़ी पजल्स होगी वो उतनी ज़्यादा ईजी होती है। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को देखना पड़ेगा, वीडियोज़ को, किस तरह से पजल को सॉल्व करना होता है, सबसे बड़ी पजल होती है वो सबसे ईजी कैसे बनाया जाता है उसको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक्यूरेसी का सबसे बड़ा मैटर यहीं पर भी करेगा, अगर आप 3 ही पजल बना रहे हो एक्यूरेसी के साथ बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। अगर यहाँ पे 5 पजल बना रहे हो, 2 पजल आपकी गलत हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज़ें आप 60 मिनट, ये देखिए 1 घंटा आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चन के लिए। ज़रूरी नहीं है 45 के 45 करो, आप 30 क्वेश्चन करके आओ यहाँ पे 60 मिनट में एकदम एक्यूरेसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ न्यू टॉपिक्स भी यहाँ पे आपको देखने को, इनपुट आउटपुट का टॉपिक जो है आपका रीजनिंग के अंदर देखने को मिलेगा आपको, और न्यू लेवल की जो कोडिंग डिकोडिंग आ रही है आजकल वो भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक रहेंगे। इसी के साथ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रहेगा वो रहेगा आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, और इसका इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, और एक दो न्यू टॉपिक्स और है वो अपने डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद अगर बात की जाए जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का जो रहता है वो यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो लगभग मान के चलिए आप 20 से 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के कवर ऑफ होंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 25 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, लास्ट 7 मंथ, अब 6 मंथ को छोड़िए आप 7 मंथ, लास्ट 7 मंथ से कवर अप कीजिए अगर आपसे रहना चाहते हो IBPS PO के अंदर। तो लास्ट 7 मंथ के आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ये नहीं है कि आप लास्ट में जो कैप्सूल आएगा उसको आप मत पढ़िए, सिर्फ कैप्सूल पढ़ने से एग्जामिनेशन पास नहीं होता। इसको पढ़ने के लिए आपको जो मंथली कैप्सूल आते हैं किसी भी सोर्स का आप कैप्सूल ले सकते हो, मंथली कैप्सूल जो आता है यानी मंथ का, एक पूरा मंथ का जो GK उसके अंदर कवरअप होता है। मैं यहाँ पे किसी भी सोर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी सोर्स चाहिए कि सर मेरे GK के लिए कौन सा सोर्स मेरे को चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहाँ पे आपको पर्सनली बता दिया जाएगा कि कौन से सोर्स से आपको GK पढ़ना है और कहाँ कहाँ से आपके GK कवरअप होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से पॉलिसी वगैरह है तो यहाँ पे आपने नहीं बता सकते, किसी भी सोर्स का नाम नहीं ले सकते। तो 40 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 35 मिनट आपको मिलते हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से कीजिए। लेंथी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, पर आंसर आपको पता होगा, क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं पर आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन देखते ही आप बता दोगे। तो ये आपको 35 मिनट बहुत होते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। और यहाँ पे बाकी जो बेटेज रहता है वो आपका रहता है इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, यानी स्टैटिक बैंकिंग भी आ सकती है यहाँ पे, स्टैटिक के क्वेश्चन एक दो देखने को मिल सकते हैं आपको, अगर आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आप करंट अफेयर्स और बैंकिंग, जो बैंकिंग है और करंट अफेयर्स, इन दोनों को अगर आप कवर अप करते हो तो आपको स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 30+ भी लेके आते हो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे और बहुत गुड मार्क्स होंगे। जरूरी नहीं है आप 40 में से 40 लेके आओ, अब आप 2-4 नंबर के स्टैटिक के लिए पूरा का पूरा स्टैटिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा आप करंट अफेयर्स के 2 महीने ज़्यादा एडवांस पढ़िए, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। अब बैंकिंग के अंदर यहाँ पे देखिए जो RRB वगैरह जो होते हैं वहाँ पे नॉर्मल बैंकिंग आती है, यहाँ पे आपकी फुली बैंकिंग आएगी, बासेल नियम्स क्या होते हैं, आपकी M1, M3, M2, M3 मनी,
कोल मनी, मार्केट मनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। यानी पूरी की पूरी डीपली बैंकिंग यहाँ पे आएगी। वो नहीं है कि आरआरबी के अंदर एकदम नॉर्मली जो बैंकिंग आती है वो यहाँ पे नहीं, ये आईबीपीएस पीओ, तो इसके अंदर जो बैंकिंग आएगी वो थोड़ी सी डीपली आएगी। यानी बैंकिंग के सारे चैप्टर आपको, मनी मार्केट है तो वो सारी चीज़ें आपको, मुद्रास्फीति वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे जो इंग्लिश की कट ऑफ, इंडिविजुअली कट ऑफ आपको जरूर पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कट ऑफ ना पास करे तो भी आपका काम चल जाएगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, 60 मार्क्स के आते हैं और 45 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग से कम टाइम मिलता है डाटा एनालिसिस के अंदर। तो डाटा एनालिसिस आपके कैसे आएंगे, सारे के सारे जो आपके होंगे वो टाइम एंड ब्रेक पे आपका डीआई आएगा, बोटन स्ट्रीम पे आपका डीआई आ सकता है, प्रोबेबिलिटी पे आपका डीआई आ सकता है, को जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक बनते हैं उन पे आपके डीआई आएंगे, और परसेंट पे भी डीआई आ सकता है, पर कैलकुलेटिव होगा बहुत ज़्यादा। मैं ये आपको बता दूं पहले ही, परसेंट पे अगर डीआई आएगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। बाकी आपके टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी टॉपिक पे डीआई आएंगे, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। न्यू टाइप की रॉन्ग नंबर सीरीज भी देखने को मिल सकती है, जो एसबीआई के अंदर देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा 155 मार्क्स, 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके जस्ट बाद आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लेटर राइटिंग एसे, डिस्क्रिप्टिव जिसको आपको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 2 आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 25 होते हैं, और ये इंग्लिश के अंदर होता है कंप्लीटली, और 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है, और इसकी भी इंडिविजुअली कट ऑफ आपको पास करनी है। अगर आप मान लीजिए आपने मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है इतनी इतना, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ आप क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट इनका सिनेरियो रहता है। तो अब इसके अंदर क्या कुछ आएगा, लेटर राइटिंग एंड एसे के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो देखिए लेटर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना होता है डेली का, क्योंकि जो भी यहाँ पे टॉपिक पूछा जाएगा, जो भी करंट में टॉपिक रहा है, यानी जैसे इंडिया की कोई भी जीडीपी ग्रोथ वगैरह बहुत कम हो रही है, तो इस पे टॉपिक आ सकता है कि इस पे आप एक लेटर लिख दीजिए किसी को भी, या आप एक एसे लिख दीजिए। इस पे लेख लिखना होगा आपको, कि एसे के अंदर आपको ये बताना होगा कि मुद्रा इंडिया की जो जीडीपी है वो कम क्यों हो रही है, तो उसको अपने किस तरह से बना सकते हैं दोबारा से, उसको ग्रोथ किस तरह से होगी, वो उसके लिए अपने को क्या क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह के टॉपिक जो भी लास्ट 6 मंथ के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसका ज़्यादातर आपको फॉर्मेट्स याद होना चाहिए, फॉर्मेट किस तरह का रहता है वो मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द वीडियो बना के। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, सर डिस्क्रिप्टिव का फॉर्मेट किस तरह का होता है, उस फॉर्मेट के अंदर ही लिखना होता है, क्योंकि ऊपर फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको जो बीच में होता है सेक्शन लिखने वाला, उसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि किस तरह से उसके अंदर आपको लिखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर डिस्क्रिप्टिव पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैक्सिमम तभी मैं डिस्क्रिप्टिव पे वीडियो लेके आऊँगा। आप बोलोगे तभी लेके आऊँगा, ऐसे नहीं लेके आऊँगा। अगर आप कहोगे सर हमें डिस्क्रिप्टिव पे वीडियो चाहिए, आप बना दीजिए किस तरह का इसका फॉर्मेट रहता है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब जीए के लिए मैंने बता दिया कि 6 से 7 मंथ का जीए पढ़ना है, बैंकिंग पढ़नी है, कौन से सोर्स से पढ़ना है, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी बता दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन रहेगा, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि स्पीड टेस्ट कोई भी कंपनी का ले लीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे आओ तो स्पेशली मैं बता दूंगा कौन सा आपको चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए आप, तो वहाँ पर बताऊंगा कौन सा लेना है। एक स्पीड टेस्ट दीजिए आप, 2 दिन में दे दीजिए या डेली दे दीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मैथ रीजनिंग की, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए आईबीपीएस पीयू मेंस का। अगर आपकी मैथ रीजनिंग थोड़ी सी वीक, आप डेली टॉपिक को रिविजन करना चाहते हो, तो आप 2 दिनों में एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसका फुल एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे कमी रहेगी, कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। ये नहीं है कि सर आप मैथ रीजनिंग दे रहे हो, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको देना है, ताकि आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको बैठे हो तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूँ। आपको ये फील होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ, जो घर पर दे रहा हूँ या किसी भी सेंटर में दे रहा था, साइबर कैफे में दे रहा था, सिर्फ वही चीज़ें, वो माहौल आपका वहाँ पर बनेगा, तभी एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा। तो इसके लिए एक मॉक टेस्ट डेली आप लीजिए और उसका फुल एनालिसिस कीजिए, और आपकी रैंक देखिए, आपका परसेंटाइल देखिए कि बाकी लोगों की जगह मैं कहाँ पे स्टैंडिंग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगी। और ये अगर आप लगा के जाओगे, तो आप जब मेंस एग्जामिनेशन दोगे तो वहाँ पर आपको ये फील नहीं होगा कि मैं मेंस दे रहा हूँ, आपको ये फील होगा कि मैं साइबर कैफे में बैठा टेस्ट दे रहा हूँ, या किसी भी जहाँ पर भी आप टेस्ट देते हो सेम वही चीज़ें आपको फीलिंग वहाँ पर आएगी। पर अगर आपने टेस्ट एक भी नहीं दिया, सीधा आप ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन आरआरबी आईबीपीएस पीओ का देने जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने करना पड़ेगी। दिक्कत क्यों आएगी, मान लीजिए मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया और 10 ही क्वेश्चन करने वाले थे वहाँ पे, और आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपको तो वहाँ पे एनालिसिस ही नहीं होगा कि 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं इसमें। आप क्या करोगे, पहली बार ऑनलाइन मॉक दे रहे होगे, आप सोचोगे यार 10 क्वेश्चन से क्या होता है, आईबीपीएस पीओ है, कम से कम 20 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, फिर आप 10 क्वेश्चन वहाँ पर लगा दोगे। लगाने का मतलब तुक्का लगाओगे, तुक्का लगाने का मतलब 10 क्वेश्चन सही किए थे वो भी गए, तो मार्क्स आ गए 0। ये बहुत सारे लोगों के साथ आरआरबी पीयू मेंस में हुआ है।
जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे उन लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअली लेवल जो आया आरआरबी प्यू मेंस में मैथ का वो लेवल क्या है और उसके हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकती है। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिए तो वो उन लोगों को पता था कि हम 10 क्वेश्चन करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हमारी कट ऑफ इतनी जाने वाली है क्योंकि लेवल इतना ज़्यादा हाई है, हमें पता है हमने मॉक टेस्ट दिया है तो हमें पता है कि मॉक टेस्ट में जो लेवल रहता था उस हिसाब से कट ऑफ रहती थी, तो वो सारी चीज़ें हमें पता है। और जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे उनको पता नहीं था, उनने सोचा भाई 10 नंबर से ऊपर कट ऑफ तो जाएगी जाएगी, तो उन्होंने 5-4 क्वेश्चन सही किए, बाकी के लगा के आगे 10-15 क्वेश्चन तो उनके मार्क्स आ रहे हैं 0-0। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये चीज़ एनालिसिस होगी कि हाँ यार इतना क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतने ठीक है ये इतना हो जाएगा, तो वो चीज़ें अपने आप आपको पता लग जाएगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो ये जरूरी है, मॉक टेस्ट एक जरूर दीजिए, अगर कोई भी डाउट रहा तो कमेंट करके पूछिए और टेलीग्राम ग्रुप पर आके आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो जीए वगैरह की। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।